हेलो स्टूडेंट, टर्म वन एग्ज़ाम जिन बच्चों के होने वाले हैं उनके लिए बड़ी खबर। जैसे कि काफ़ी कैंपेन चल रही, काफ़ी बड़ी कैंपेन चल रही है ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें दो बड़ी मैं अपडेट दे रहा हूँ जो पॉजिटिविटी लेके आएंगे बच्चों के लिए, क्लास टेंथ और ट्वेल्थ के लिए। जो बच्चे काफ़ी टाइम से ये कह रहे थे कि उन्होंने पढ़ाई ऑनलाइन की है तो एग्ज़ाम कैसे ऑफलाइन दें, दूसरा ये भी है कि बच्चों को अभी वैक्सीन नहीं लगा हुआ है तो वो ऑफलाइन एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं। और कई डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि अगर बच्चे ऑफलाइन एग्ज़ाम देंगे तो उसकी वजह से थर्ड वेव आने के चांसेस बढ़ सकते हैं, बच्चों को कोरोना होने के चांसेस बढ़ेंगे। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में दो बड़ी अपडेट, जैसा मैंने बोला, पहली अपडेट ये है कि जो हैशटैग चल रहा था ऑनलाइन एग्ज़ाम ट्विटर पे, वो ट्रेंडिंग में आ गया था, नंबर वन पोजीशन पे पहुंच गया था, ये एक अच्छी खबर। दूसरी है change.org जिस पे कैंपेन चलाई जा रही थी, तो उसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है और ये कैंपेन 1.5 लाख यानी 1,50,000 से ऊपर चली गई है। तो change.org पे जो बच्चे कैंपेन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बस अपना वोट देना है, change.org पे जाना है, ठीक है, तो कैंपेन को और आगे रन कराना है। जितना आगे रन कराओगे उतना CBSE पे प्रेशर बढ़ेगा, वैसे CBSE पे प्रेशर बढ़ गया है, इसलिए CBSE ने जो CBSE एफिलेटेड स्कूल है उनसे बोला है कि वो जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स से बात करें और डिस्कस करें, ये बोला है कि बात करें, ये अच्छी खबर मैं बता रहा हूँ कि डिस्कस करें और उसके बाद ये बताएं क्या वो ऑनलाइन मूड के पक्ष में है या ऑफलाइन के। तो वैसे तो एक और खबर मैं इससे पहले बता दूं कि टीचर से भी पूछा गया है क्या ऑनलाइन क्लासेस अच्छी तरह से चली है, तो उसमें भी 43-44% टीचर्स ने बोला है कि ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छी तरह से नहीं चली हैं, जिससे ऑफलाइन क्लासेस में जिस तरह से बच्चों को समझ में आता है, इंटरेक्ट कर पाते हैं, वो बात नहीं हो पाई है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए CBSE भी अब थोड़ा एक्टिवनेस दिखा रहा है, तो चांसेस बढ़ रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम के, लेकिन मैं अभी भी श्योर नहीं कह सकता कि ऑनलाइन एग्ज़ाम ही होंगे, लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ICSE के बच्चे भी आगे निकल के आ रहे हैं change.org पे, ठीक है, तो ये बच्चे ज़्यादातर इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करें और ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 5-10 मिनट का टाइम लेगा, उसके बाद अपनी टर्म वन की पढ़ाई करें, टर्म वन की पढ़ाई में कोई ढिलाई ना करें, ठीक है। तो पढ़ाई अच्छी करते रहो, कुछ भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकते हैं ऑनलाइन भी, लेकिन ऑनलाइन के अभी फिलहाल जैसी कंडीशन बन रही है उससे लग रहा है कि चांस बढ़ेंगे, आगे कोई अपडेट आएगा वो हम लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।